हाँ डियर स्टूडेंट, मेडिकल सर्मोजोलॉजी का टीचर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको बीएससी सेकंड ईयर का इन्वोल्यूशन। कल मैंने इन्वेजिनेशन पढ़ाया था, पुश इनसाइड, गोले को पुश कर देंगे, डबल लेयर गैस्ट्रा बन जाएगा। इसमें सेल्स रोल करती हैं, सरकती हैं, सेल्स सरक सरक के अंदर जाएंगी, रोल्स कर कर के अंदर जाएंगी, डार्सल लिप से और वेंट्रल लिप से सेल्स रोल करके अंदर जाएंगी। इसको हम बोलते इन्वोल्यूशन। ये ब्लास्टोमियर है, इन्वेजिनेशन हो गया इसमें मान लीजिए। अब सेल इसमें क्या करेंगे, रोल करके सरक सरक के अंदर जाएंगे, इसको हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन। समझे हमारी बात, इतनी ही बात आपको समझना है। अगर सेल्स रोल करके एक के बारे में पुश ना हो अंदर, सेल्स रोल करके सरक सरक के अंदर जाएं, तो इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन। तो आप इसको फिगर को देखें, ये ब्लास्टुला है, ये कौन है, ब्लास्टुला फिगर किसका है, ये ब्लास्टुला का, ये फिगर किसका है, गैस्टुला का, किसका फिगर है, ये गैस्टुला का फिगर है, ठीक है ना। तो लिखिए, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच, इसमें लिखो यार फिगर बनाना अभी, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच सेल्स रोल इनसाइड, सेल्स रोल्स इनसाइड एलॉन्ग द ब्लास्टोपोर, एलॉन्ग द ब्लास्टोपोर, एलॉन्ग द ब्लास्टोपोर फुल स्टॉप, इन केस ऑफ फ्रॉग, इन केस ऑफ फ्रॉग, इन केस ऑफ फ्रॉग नोटोकार्डल सेल्स, नोटोकार्डल सेल्स, नोटोकार्डल सेल्स रोल्स इनसाइड, रोल्स इनसाइड एलॉन्ग द डॉर्सल लिप, एलॉन्ग द डॉर्सल लिप, एलॉन्ग द डॉर्सल लिप, हो गया। ये फिगर आपको बनाना है, बहुत ही बहुत सिंपल, आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। इस देख रहे हैं ना सब क्या है, तीसरा स्टेप है मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप एक दो बार वॉच करके बना लीजिएगा। हाँ देखिए, तीसरा है इसमें एबीसी इंग्रेशन, इंग्रेशन,
ये क्या होता है? इनग्रेशन में सेल्स टूटती हैं, टूटने के बाद अंदर ही एक रो में अरेंज हो जाती हैं। सेल्स टूटती हैं और अंदर ही रो में क्या होती है, अरेंज हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं इनग्रेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? इनग्रेशन प्रोसेस। सेल्स क्या करती हैं? रोल करती हैं। कैसे रोल नहीं करती, सॉरी, सेल्स टूटती हैं, टूटने के बाद एक रो में क्या होती है, अरेंज हो जाती हैं। बात समझ रहे हैं ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए फिगर, ये फिगर देख लीजिए। बना भी सकते हैं आप, लेकिन अब फिगर बनाए हुए हैं इसलिए पहले नहीं बनाएंगे, पहले इसको लिख लीजिए तब बना के समझा दे रहे हैं। ये सेल्स हैं देखो, ये ब्लास्टुला है। अब इसकी कोशिकाएं ऐसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बन गया, ये इसकी कोशिकाएं अपनी वाली, पहली वाली एक कोशिका एक लेयर की है, ये बनी। इसमें से कोशिकाएं देखिए चार पांच की संख्या में टूटेंगी ऐसे, एक दो, ये चार चार पांच पांच संख्या में टूटेंगी, टूटी, टूटने का फिर क्या होंगी, यहाँ अरेंज हो जाएंगी। देखो इधर ये चारों देखो आके अरेंज हो गई, जितना टूट के निकलेंगी और फिर बन जाएंगी यहाँ पे, फिर टूटी, फिर आके अरेंज हो गई, एक दो तीन चार, फिर टूटी, फिर अरेंज हो गई आके, ऐसे अरेंज होके डबल लेड गश्ला बना लेंगी। ये कौन है? ब्लास्टुला। कौन है ये? ब्लास्टुला। ये गश्टुला है। अरे भैया, ऊपर वाला एक्टोडर्मल लेयर बनना है ही, नीचे वाला एंडोडर्मल लेयर बना लेगा। ये टूटेंगी सेल, टूट के अरेंज हो जाएंगी, टूटेंगी सेल अरेंज हो जाएंगी, टूटेंगी सेल अरेंज हो जाएंगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनग्रेशन। इनग्रेशन लिखिए, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ब्लास्टोमियर सेल्स इन ए ग्रुप ऑफ 4 to 5 इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 चार से पांच की संख्या में 4 to 5 रिलीज्ड फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट एंड अरेंज्ड इन स्पेसिफिक रो, अरेंज्ड इन स्पेसिफिक रो जस्ट बिलो द ब्लास्टोमियर सेल्स रिजल्ट आउटर एक्टोडर्म इनर एंडोडर्म फॉर्म। एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म फॉर्म। हो गया, ये फिगर बनाना पड़ेगा, बना लीजिएगा आप इसको, समझ रहे हैं ना? देख लो फिगर, आसानी से इसको बना सकते हो, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फिगर को बना लीजिए।
ये तो हो गया इम्बोली। इम्बोली के क्या प्रोसेस थे? तीन। इम्बोली के क्या प्रोसेस? तीन। इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूजन, इन्वेजिनेशन में पुश इनसाइड, इन्वोल्यूजन में सरक सरक के जाना, इनग्रेशन में रिलीज होंगी सेल्स और हो जाएंगी स्पेसिफिक रो में, ये इनग्रेशन। तीन बचा दूसरा एपिबोली, थ्रो आउट। ये सब तो इनसाइड वाले थे, थ्रो इनसाइड। इम्बोली, इम्बोली में तीन, इन्वेजिनेशन, इन्वोल्यूजन, इनग्रेशन, और दूसरा है एपिबोली, थ्रो आउटसाइड, बाहर से घेरना सेल को। तो अगला हेडिंग लिखेंगे अब आप, इस फिगर को आपने बना लिया है, न बनाए हो तो बना लीजिएगा, समय आपके पास रहेगा उसमें देखने के, दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ये हो गया आपका इम्बोली, दूसरा है एपिबोली, दूसरा कौन है? एपिबोली, इसको बोलते हैं थ्रो आउटसाइड, थ्रो आउटसाइड। हो गया, बाहर सेल को घेरना। इसको देख लीजिए क्या होता है, जैसे ये सेल है, ये सेल है, देखो इस सेल को ऐसे जो है दूसरा लेयर घेर रहा है, देखो ये घेर रहा है ना ऊपर, इसी को बोलते ही पे बोल। ये क्या है? इनर सेल, ये आउटर सेल, आप बाहर से घेर रहा है, देखिए ये घेर रहा है बाहर से और घेर लिया, और घेरने के बाद एक समय ऐसा आएगा जो पूरी तरफ से एक अंदर वाली लेयर बन जाएगी और एक बाहर वाली लेयर बन जाएगी, बात समझ आए ना? इसी को बोलते ही पे बोली, लिखिए एपिबोली इज ए प्रोसेस, एपिबोली इज ए प्रोसेस इन विच एक्टोडर्मल सेल्स डिवाइडेड रैपिडली एंड एक्सपैंडेड, expanded फैलना, फैल जाता है, एक्सपैंडेड
बोथ साइड ऑफ एंडोडर्म, बोथ साइड ऑफ एंडोडर्म एंड फाइनली कवर द एंड फाइनली कवर द एंड फाइनली कवर द एंडोडर्मल सेल्स फ्रॉम ऑल साइड. एंडोडर्मल ई एंड ईओ एंडोडर्मल सेल्स फ्रॉम ऑल साइड फुल स्टॉप. दस आउटर एक्टोडर्म लेयर, दस आउटर एक्टोडर्म लेयर एंड इनर एंडोडर्म लेयर फॉर्म्ड, एंड इनर एंडोडर्म लेयर फॉर्म्ड. And inner endoderm layer formed. Full stop. Term epiboli arises from term epiboli arises from Latin word which means through outside, THROW through outside. Through outside. हो गया through outside. तो आप देखो ये कौन है, इंडो डर्मल ई क्या है, एक्टो डर्मल सेल्स. अब देखो ये क्या हो रहा है, एक्टो डर्मल सेल्स, ये एक्टोडर्मल सेल्स एक्सपेंडेड एंड कवर द एंडोडर्म, कवर द एंडोडर्म. फिगर को बना लीजिए आप. ये कौन है, इंडो, ये कौन है, एक्टो. क्या एक्टो, डर्म, इंडो डर्म. ये फिगर ड्रा करना है आपको. एपी बोली हो गया. हो गया. चलिए इस फिगर को रिपीट करके दोबारा बना लीजिएगा. ये एंडोडर्मल सेल एक्टोडर्मल सेल्स ये धीरे धीरे डिवाइड करता जाता है, फैलता जाता है, फैलने के बाद घेरता जाता है. देखो घेर रहा है ना, अंत में घेर के पूरा ये बाहर क्लियर ही पूरा बना लेगा और अंदर क्लियर पहले ही से ही. हो गया, इरेज कर दे रहे हैं इसको फिगर. अब दोबारा रिपीट करके बना लीजिएगा.
अगला है डालेंगे गैस्टुलेशन इन फ्रॉग। बहुत क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है। गैस्टुलेशन इन फ्रॉग, गैस्टुलेशन इन फ्रॉग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी पूछता है 5 नंबर के लिए। गैस्टुलेशन इन फ्रॉग, वैसे ही होता है जो मैंने टर्म बताया, लगभग वो सारे टर्म प्रोसेस होते हैं एक प्रोसेस को छोड़कर। गैस्टुलेशन आप जानते हो, गैस्टुलेशन वो प्रोसेस होता है इसमें ब्लास्टुला कन्वर्ट होता है किसमें, गैस्टुला में। गैस्टुलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, गैस्टुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ब्लास्टुला कन्वर्ट होता है किसमें, गैस्टुला में। अर्थात सिंगल लेयर ब्लास्टुला कन्वर्टेड इन डबल लेयर और ट्रिपल लेयर गैस्टुला कॉल्ड एज गैस्टुलेशन प्रोसेस। प्रोसेस इन विच सिंगल लेयर ब्लास्टुला कन्वर्टेड इन डबल लेयर गैस्टुला कॉल्ड एज गैस्टुलेशन। लेटर ऑन 3 germ layer formed which are responsible for formation of different types of organ system. Have any problem? नहीं। ऐसा प्रोसेस में ब्लास्टुला से गैस्टुला का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्टुलेशन। ब्लास्टुला सिंगल लेयर होता है, गैस्टुला डबल लेयर होता है, बाद में 3 germ layer मतलब ट्रिपल लेयर हो जाता है एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म का। और वही 3 germ layer जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को बनाने के लिए। हम लोगों का जितना भी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बना हुआ है ना, हम लोगों का डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो भी बना हुआ है वो किसके कारण बना हुआ है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन इसलिए बना हुआ है एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से या एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर से ही कोई बॉडी पार्ट आप देखें एक्टोडर्म या मेसोडर्म या एंडोडर्म से बना होगा। जैसे आप ब्रेन देखिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल अंदर वाली इंटेस्टाइन स्टामक ये एंडोडर्म से बना है, मसल्स मेसोडर्म से बना है, बोन मेसोडर्म से बना है। तो वही गैस्टुलेशन में जो 3 लेयर बनती है उसी सब बनते हैं, ठीक है। तो गैस्टुलेशन प्रोसेस देखिए फ्रॉग में क्या होता है, गैस्टुलेशन इन फ्रॉग, गैस्टुलेशन इन फ्रॉग a series of changes occurs in which single layered blastula converted into converted into double layered gastula full stop. The process by which single layered blastula converted into double layered gastula called as gastulation हो गया फुल स्टॉप। इन लेटर गैस्टुलेशन प्रोसेस 3 germ layer formed ectoderm mesoderm एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म मीसोडर्म एंड एंडोडर्म
एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड इंडोडर्म, फुल स्टॉप। दीज जर्म लेयर फॉर्म डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। दीज जर्म लेयर फॉर्म डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, हो गया। फुल स्टॉप। इनगैस्टुलेशन प्रोसेस ऑफ फ्रॉग, इनगैस्टुलेशन प्रोसेस ऑफ फ्रॉग इपीबोली, EPIBOLI पढ़ाए हैं, इपीबोली कमा इन्वेजिनेशन एंड इनवल्यूजन अकर्स, इनग्रेशन नहीं होता एंड इनवल्यूजन अकर्स, एंड इनवल्यूजन अकर्स, हो गया। तो पहला हेडिंग लिखेंगे इपीबोली, EPIBOLI पहला हेडिंग होगा ईपी बोली। अब देखिए ईपी बोली में क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया, कोशिकाएं निकल के बाहर की तरफ जाती हैं तो ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन होता है। कोशिकाएं निकल किधर जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी तो क्या होगा, ब्लास्टोपोर का। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे ब्लास्टुला है, ठीक है ना, यहाँ से अगर ये सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला है पूरा, ऐसे सपोज कर लो ऐसे ऐसे है, यहाँ से कोशिका देखिए, यहाँ पे ये ब्लास्टोपोर बना, ये कोशिका यहाँ से निकल कैसे ऊपर बाहर तरफ भागने लगी, ठीक है ना। जब कोशिकाएं बाहर तरफ जाएंगी तो जाहिर बात है ईपी बोली प्रोसेस होकर बाहर तरफ, अगर सेल जा यहाँ से माइग्रेट करके सेल अगर कहाँ चली जाए, ऐसे बाहर की तरफ, यहाँ सेल माइग्रेट कर इधर चली जाए, बाहर तरफ चली जाए, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, ईपी बोली होगा ना। तो ब्लास्टोपोर बन रहा है ना यहाँ पे, जब यहाँ से कोशिकाएं एक माइग्रेट कर यहाँ गई, एक यहाँ चली गई, यहाँ जगह बन गई, क्या बन गया, ब्लास्टोपोर, क्या बन गया, ब्लास्टोपोर। वो फिगर में मैं दिखाऊंगा सब, समझ रहे हैं ना, ऐसा इवेंट्स होता है। तो ईपी बोली पहला इवेंट्स है, इसके विषय में कल लिखवाऊँ क्योंकि इसमें डिटेल समझाना होगा, समझ रहे हैं ना। तो कल देखिएगा इसको, ईपी बोली क्या होता है, इम्बोली क्या होता है, ईपी बोली इमेजिनेशन इन्वल्यूजन क्या होता है, ये मैं कल समझा दूँगा फिगर के साथ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। कल मिलते हैं फिर, चलें, बाय।